हाय फ्रेंड्स, N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं नेकी। अपन ने पिछले टर्न पर शुरुआत कर ली थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके अंदर FET MOSFET का अध्ययन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड 20 से 25 वीडियो अपलोड कर दिए इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, वो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, क्योंकि अपन चैनल बाय चैनल चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से फुल वे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे SCR की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। दोस्तों, किसकी बात करें अपन? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, देखिए दोस्तों, जैसा कि अपन ने बात की थी कि डायोड में 2 परतें होती हैं, ट्रांजिस्टर में 3 परतें होती हैं, तो रेक्टिफायर इसके अंदर कितनी होंगी? SCR के अंदर 4 परतें होंगी। कितनी परतें होंगी दोस्तों? 4 परतें होंगी। इससे पहले अपन कुछ अध्ययन कर लेते हैं। इसको दोस्तों थायरिस्टर भी बोलते हैं, थायरिस्टर भी बोलते हैं दोस्तों। SCR को क्या बोलेंगे अपन? थायरिस्टर भी बोलते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है? एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR क्या होता है? SCR एक यूनिडायरेक्शनल डायोड होता है दोस्तों। यूनिडायरेक्शनल डायोड होता है, एक दिशीय युक्ति होता है। डायोड कह दो या डिवाइस कह दो, या कह दो डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है डायोड की तरह SCR भी क्या होता है? एक दिशीय होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी स्विचिंग होती है, SCR की स्विचिंग होती है। स्विचिंग होती है दोस्तों, मतलब ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया। स्विच क्या होती है? ऑन ऑफ की प्रक्रिया। एक कंट्रोल टर्मिनल के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित कंट्रोल टर्मिनल, टर्मिनल गेट के द्वारा। टर्मिनल का क्या नाम है? गेट के द्वारा क्या रहती है? नियंत्रित रहती है दोस्तों। SCR की स्विचिंग ऑन ऑफ की प्रक्रिया होती है, वो एक कंट्रोल टर्मिनल गेट के द्वारा क्या रहती है दोस्तों? नियंत्रित रहती है। क्या रहती है? नियंत्रित। तो SCR की फुल फॉर्म याद रखिए दोस्तों, क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसी को अपन क्या बोलेंगे? थायरिस्टर बोलेंगे। SCR डायोड की तरह क्या होते हैं? एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, एक दिशीय युक्ति होती है। और इसकी स्विचिंग क्या होती है दोस्तों? स्विचिंग क्या होती है? ऑन ऑफ एक कंट्रोल टर्मिनल के द्वारा क्या होती है? कंट्रोल टर्मिनल के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो दोस्तों, अब ध्यान दीजिए SCR कैसे बनता है। तो SCR दोस्तों, इसके SCR की 3 टर्मिनल होते हैं। SCR में कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों? 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर, 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन, 4 लेयर, PNPN डायोड होता है। यह होता है दोस्तों एनोड। क्या होता है यह दोस्तों? एनोड। यह होता है कैथोड, कैथोड होता है दोस्तों। और ये क्या होता है? गेट। ये क्या होता है? जी, एनोड, कैथोड, PNPN जंक्शन डायोड होता है दोस्तों। इधर देखिए जंक्शन 3 जंक्शन J1, J2, J3, 4 लेयर, 1, 2, 3, 4, 3 टर्मिनल। तो SCR क्या होता है दोस्तों? SCR 3 जंक्शन, कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल, 4 लेयर, 4 लेयर, PNPN डायोड होता है दोस्तों। PNPN डायोड होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए SCR क्या होता है? 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल, 4 लेयर, PNPN डायोड होता है। यहां से समझ में आ रही है दोस्तों PNPN क्या होता है? डायोड। अब देखो दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एनोड और कैथोड क्या होते हैं? मेन टर्मिनल, मुख्य टर्मिनल होते हैं। मुख्य टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मुख्य टर्मिनल। और गेट क्या होता है? कंट्रोल टर्मिनल।
क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल टर्मिनल होता है। यह याद रखनी है दोस्तों, कई बार बातें पूछी जाती हैं एससीआर में, गेट जी क्या होता है या गेट क्या होता है, कंट्रोल टर्मिनल, एनोड व कैथोड क्या होते हैं, मुख्य टर्मिनल। समझ में आ रही है दोस्तों? यहां से आप ध्यान दीजिए, अपन पढ़ रहे हैं सिलिकन, एससीआर सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर। यह क्या होता है? यह डायोड की तरह एक दिशीय होता है और इसमें स्विचिंग की प्रक्रिया क्या होती है? स्विचिंग की प्रक्रिया होती है एक मुख्य नियंत्रण टर्मिनल कंट्रोल टर्मिनल के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। एससीआर क्या होता है? थ्री जंक्शन थ्री टर्मिनल फोर लेयर पीएनपीएन डायोड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एनोड और कैथोड मुख्य टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल होते हैं, और गेट क्या होता है, कंट्रोल टर्मिनल होता है। अब दोस्तों ये जो दोनों परतें हैं, दोनों इनके पास में टर्मिनल्स एनोड और कैथोड के पास में, ये क्या होती हैं, हाईली डोप्ड होती हैं, हाईली डोप्ड होती है दोस्तों। मोस्ट है ये हाईली डोप्ड परतें कौन कौन सी होती हैं? एनोड की तरफ पी परत और कैथोड की तरफ एन, ये क्या होती हैं, हाईली डोप्ड परतें होती हैं। एक दोस्तों एक मुख्य चीज और रह जाती है यहां से, क्या रहती है, एससीआर को क्या बोलते हैं, एससीआर सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियली कंट्रोल डिवाइस, आंशिक नियंत्रण युक्ति। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कई बार पूछा हुआ है पार्शियली कंट्रोल डिवाइस, आंशिक नियंत्रक युक्ति। इसका मतलब क्या होता है कि पूरा कंट्रोल नहीं होता। पूरा कंट्रोल कैसे, कि अपन ये जो अपन बात कर रहे थे कंट्रोल टर्मिनल होता है कौन सा, गेट, तो गेट का नियंत्रण केवल ऑन करने तक ही होता है, ऑफ नहीं कर सकता। एक बार इसके द्वारा डायोड एससीआर ऑन हो गया, अब यदि इसके अंदर सप्लाई देना बंद कर देंगे तो ये ऑफ नहीं होगा, चालू रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, पार्शियली कंट्रोल डिवाइस। तो फुल्ली कंट्रोल डिवाइस कौन सा होगा, जीटीओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ध्यान रखना दोस्तों। अभी पढ़ेंगे इसमें, बाद में आएंगे, पर पहले से पार्शियली कंट्रोल डिवाइस होता है, आंशिक नियंत्रण युक्ति होता है, थ्री जंक्शन थ्री टर्मिनल फोर लेयर पीएनपीएन डायोड होता है, ये मुख्य होती है, ये हाईली डोप्ड होता है। यहां तक बात दोस्तों समझ में आ रही है? अब देखो ये पार्शियली क्या होता है, मतलब गेट के द्वारा क्या होता है, एससीआर को क्या किया जाता है, ऑन किया जा सकता है, पर गेट के द्वारा एससीआर को क्या, ऑफ नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या कहते हैं इसको, पार्शियली कंट्रोल डिवाइस, आंशिक रूप से क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, आंशिक नियंत्रण युक्ति। ध्यान रखना दोस्तों ये J1 J2 और J3 ये लेयरों का ध्यान रखना, क्योंकि जब अपन इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे तो ये अपने को याद रखना है। तो इसको अपन रख लेते हैं, हाईली डोप्ड को हटा देते हैं, डोप्ड हाईली डोप्ड हटा देते हैं। एससीआर की क्या पढ़ते हैं अपन, कार्य प्रणाली, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कार्य प्रणाली। एससीआर की कार्य प्रणाली देखो, एससीआर की कार्य प्रणाली देखो दोस्तों, कार्य प्रणाली के अंदर देखो, अपने ये बात कर ली है एससीआर की कार्य प्रणाली। एससीआर की कार्य प्रणाली सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला के अंदर पर देखें आईजी, मतलब गेट धारा का मान क्या रखा अपने, जीरो। एनोड को पॉजिटिव रखा, किसके रेस्पेक्ट में, कैथोड को, मतलब यहां वोल्टेज ज्यादा है इसके सापेक्ष में। देखो दोस्तों अपने डायोड में भी बात की थी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, एनोड की तरफ ज्यादा वोल्टेज लगाओ, कैथोड की तरफ कम, तो वो फॉरवर्ड बायस हो गया, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, वही चीजें। तो यदि ये करते हैं अपने तो क्या होता है दोस्तों, आईजी का मान, मतलब गेट को अपन ऑफ रखा, गेट को ऑफ इस तरह से लिख रखते हो, गेट क्या रखा, गेट को ऑफ रखा, या अपन ने कोई चीज नहीं दी इसको, इधर इस भाषा में भी इसको बोला जा सकता है, पर यह अपने को समझने की है। एनोड को अधिक वोल्टेज दिया कैथोड के सापेक्ष में, तो एनोड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू, तो क्या होगा, J1 और J3 लेयर किस में होंगी, ये होंगी दोस्तों फॉरवर्ड बायस में, किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और J2 लेयर किस में होगी, रिवर्स बायस में। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड।
जो धारा बहेगी उसको क्या बोलेंगे, लीकेज धारा ही बह सकती है, लीकेज करंट बहती है, इसके अलावा कोई धारा नहीं बहती है। एससीआर किस कंडीशन में रहता है दोस्तों, ऑफ कंडीशन में रहेगा। यहां पे दोस्तों समझ में आ रही है कि ये वाली परत किस में आ गई, रिवर्स बायस में, इसको पॉजिटिव दिया इसको नेगेटिव दिया तो ये पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, तो क्या हो गया फॉरवर्ड बायस में, इसको नेगेटिव दे दिया तो ये किस में हो गई रिवर्स बायस में, और ये भी फॉरवर्ड बायस में, तो क्या हो गया, इस चीज को क्या बोलेंगे अपन दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, क्या बोलेंगे अपन दोस्तों इसको, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। धारा का मान क्या होगा, धारा केवल लीकेज धारा ही बहेगी। एससीआर किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। किस कंडीशन में रहेगा दोस्तों, ऑफ कंडीशन में, समझ में आ रहा है दोस्तों। दूसरा देखो दोस्तों, पहले वाले का उल्टा कर दो, आईजी का मान अभी भी जीरो रख दो, फिर अपन क्या करेंगे, कैथोड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, मतलब उल्टा कर दिया, इधर ज्यादा लगा रहे हैं, इधर मोड पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या कौन सा मोड पढ़ रहे हैं, दूसरा मोड पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, J1 व J2, J1 और J2 किस में हो जाएंगी, रिवर्स बायस में हो जाएगी, और J2 किस में हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस में, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड दोस्तों बोलेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलेंगे। और इसके अंदर जो धारा बहेगी उसको भी क्या कहेंगे अपन, लीकेज धारा ही बहेगी, इसके अंदर भी लीकेज धारा बहेगी। और एससीआर किस में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा अभी भी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आईजी का मान भी अभी रुको, कैथोड पॉजिटिव रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, तो ये बात ही। अब देखो दोस्तों तीसरा अपन और ध्यान से देखते हैं, तीसरा क्या देखेंगे दोस्तों, तीसरा आईजी के अपन ने कुछ धारा आईजी लगाई, एनोड पॉजिटिव रखा विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, बात समझ में आ रही है दोस्तों। पहला वाला ही ले लिया, केवल आईजी धारा का मान दे रहे, मतलब जीनो नहीं रखा, आईजी की सप्लाई दे रहे, मतलब गेट को ऑन कर देते हैं। क्या करें अपन दोस्तों, गेट को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, गेट टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो वही दोस्तों, J1 और J3 किस में रहोगे, फॉरवर्ड बायस में, J2 किस में हो गया, रिवर्स बायस में। पर जब अपन गेट में धारा दे रहे हैं तो J2 पर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, J2 का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, SCR क्या हो जाएगा, SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा दोस्तों, SCR क्या हो जाएगा, इसके अंदर SCR ऑन हो जाएगा दोस्तों, SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और SCR गेट का क्या होता है, गेट का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है, यहां से क्या हो जाएगा, गेट टर्मिनल का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, गेट टर्मिनल का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रही है, पहला आईजी का मान जीरो रखा, मतलब गेट को ऑफ रखा, एनोड को पॉजिटिव रहा विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, J1 में J3 फॉरवर्ड बायस में, और J2 रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहेंगे इसको, आईजी लीकेज धारा और SCR ऑफ। दूसरा दोस्तों ध्यान देखिए, वही रखा उल्टा कर दिया, रिवर्स बायस में लगाया तो ये रिवर्स बायस में हो गई रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और ये रिवर्स फॉरवर्ड बायस में लीकेज धारा और SCR ऑफ। तीसरा गेट धारा जैसे ही लगाई, इसको पॉजिटिव रखा एनोड को कैथोड की बजाय, तो क्या होता फॉरवर्ड बायस, और J2 रिवर्स बायस में, तो यहां क्या हो जाएगा, गेट धारा के कारण, गेट में दी जाने वाली धारा के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, गेट धारा के कारण यहां हो जाएगा क्या, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसमें इसमें विद्युत धारा बहने लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा SCR ऑन, और गेट का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, यहां से समाप्त हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर दो तीन चीजें और बचती हैं, लेचिंग धारा IL, लेचिंग धारा IH, होल्डिंग धारा, होल्डिंग करंट और लेचिंग करंट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट थोड़े से हाई लेवल के हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा उनका, होल्डिंग करंट और लेचिंग करंट। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, जैसे भाई हटाएंगे तो ये बंद क्यों नहीं होगा, बंद नहीं होगा ये दोस्तों, होल्ड पे चला जाएगा, SCR किस पे, होल्ड पे चला जाएगा। पर अपन ये धाराएं के अपन देखते हैं ग्राफ वगैरह, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो इसलिए अपन या नहीं, केवल जब क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे तो इनके दो क्वेश्चन ले लेंगे, इनका मतलब समझा देंगे बस, वह होल्डिंग करंट ये, लेचिंग करंट ये, इनका मान ये होता है, और अपना SCR क्या हो जाएगा यहां से। इन चीजों पर दोस्तों कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी यहां कॉन्सेप्ट बताना भारी पड़ जाएगा, लगभग आधा से एक घंटा खर्च हो सकता है, इसलिए अपन इन चीजों को नहीं देखेंगे, बाद में जब क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे उसके अंदर इनको देख लेंगे।
इसके अलावा दोस्तों कुछ कुछ पॉइंट एसीआर के अंदर और बचते हैं, जैसे इसकी रेटिंग वगैरह, टेम्परेचर इफेक्ट, वो थोड़ा लंबा और डीपली, बहुत ज्यादा डीपली जो अपन आईएएस या फिर बात करें जेएन फेएन उनके एग्जाम के लिए काम में आता है, तो अपन उन चीजों को ध्यान में नहीं रखें, क्योंकि अपना मेनली फोकस है वो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, डीएमआरसी, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, इनके लिए है, तो अपन उनको ज्यादा नहीं देखेंगे, बस ये सफिशियंट है। हाँ, आईएल और आईएच लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट अपन क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे। अब उपयोग के बात करें अपन, तो ये क्या होता है, एसी डीसी मोटर कंट्रोल के अंदर काम में आता है, एसी डीसी मोटर कंट्रोल के काम में आता है, इन्वर्टर के अंदर भी काम में आता है, ये इन्वर्टर के अंदर भी, रेक्टिफायर स्विच के अंदर, स्विच के अंदर रेक्टिफायर स्विच के अंदर भी काम में आता है ये दोस्तों, लॉजिक परिपथों में भी काम में आता है, लॉजिक गेट्स में, लॉजिक सर्किट के अंदर भी काम में आता है। क्या क्या हो गया दोस्तों, एसी डीसी मोटर हो गया, एसी डीसी लॉजिक इन्वर्टर के रूप में, और रेक्टिफायर स्विच के रूप में, लॉजिक गेट्स के अंदर, और एक होता है रिले व ऊष्मा नियंत्रण में, रिले और ऊष्मा नियंत्रण के अंदर भी काम में आता है ये दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन ने किसकी बात की, एससीआर की। अब अपने दो छोटी छोटी चीजें और बन जाती है, डायक, ट्राइक और आईजीबीटी, जीटीओ, तीन होती है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उनको क्या कर देंगे कंप्लीट। तो यहां से अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग खत्म हो जाती है, फिर अपन रेक्टिफायर की बात करेंगे, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, फिर अपन पढ़ेंगे डिजिटल, और फिर ये खत्म होने के बाद अपन ट्रांसफॉर्मर, मोटर, जनरेटर या फिर मेजरमेंट वगैरह वो सब्जेक्ट लेंगे। तो दोस्तों ये समझ में आया, एससीआर पीएनपीएन जंक्शन, थ्री टर्मिनल, थ्री लेयर, ये युक्ति हो गई। और दोस्तों फिर मैं कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।